हैचिंग। फर्स्ट हैचिंग वुड बी है सिंपल पैरेलल हैचिंग। इस हैचिंग पर केवल हम लाइन यूज करते हैं, दिस टाइप ऑफ लाइन, दिस इज द सिंपल हैचिंग। लाइन कभी भी हमें ऐसे ड्रॉ नहीं करनी है, लाइन ड्रॉ करने के लिए हैचिंग में ये टेक्निक यूज की जाती है। स्टार्ट करेंगे और ऐसे रब करके उसको, ये होता है हैचिंग। सेकंड नंबर पे आता है हमारा क्रॉस हैचिंग। क्रॉस हैचिंग में हम वही सिंपल हैचिंग के लिए ड्रॉ करेंगे और इसी हैचिंग को उसी सिंपल हैचिंग से क्रॉस कर। दिस इज द सेकंड ब्लॉक ऑफ क्रॉस हैचिंग। क्रॉस थर्ड नंबर पर आता है फाइन क्रॉस हैचिंग। फाइन क्रॉस हैचिंग में, फाइन क्रॉस हैचिंग में हम पहले सिंपल ब्लॉक, फर्स्ट नंबर का जो ब्लॉक है, फर्स्ट नंबर का ब्लॉक यूज करेंगे। सेकंड नंबर क्रॉस हैचिंग हो जाएगा, उसके बाद स्लिपिंग लाइन बना के फाइन हैचिंग, फाइन क्रॉस हैचिंग। थर्ड नंबर की जो हैचिंग है हमारी वो है कॉन्ट्रॉक हैचिंग। इस हैचिंग में हम कर्व लाइन बनाते हैं, वो भी फर्स्ट ब्लॉक नंबर वन जो है यूनिक लाइन को हम कर्व लेते हुए चलेंगे। यह लाइन ग्राफ बनाने के लिए यूज होती है अधिकतर। ये दूसरा होता है क्रॉस कॉन्ट्रॉक हैचिंग, इसमें यही लाइन हम यूज करेंगे और इसे क्रॉस करेंगे। ये और ये सेम ही है, बस इसमें स्ट्रेट लाइन से और इसमें कर्व लाइन। थर्ड नंबर का आएगा हमारा बास्केटबॉल, बास्केट हैचिंग। बास्केट हैचिंग में 1-3 लाइन स्लिपिंग, 3 लाइन स्टेट, 3 लाइन स्लिपिंग, 3 लाइन स्टेट, 3 लाइन स्लिपिंग, 3 लाइन स्टेट। यहां पर 3 लाइन स्लिपिंग है, स्टैंडिंग स्लिपिंग, स्टैंडिंग स्लिपिंग, स्टैंडिंग स्लिपिंग। ये लाइन बना के हम इसे बास्केट हैचिंग बोलते हैं। इन लाइन से हम बास्केट में ये इफेक्ट देखने को मिलता है, बास्केट या जब भी हम कोई चटाई निकालते हैं उस टाइप का हैचिंग है ये। तो इसे आप प्रॉपर तैयारी कीजिए एंड लॉक फेज बाय। तो क्या आता है लॉक, लॉक हैचिंग। लॉक हैचिंग में ये इस तरीके की लाइन है, ये लॉक हैचिंग। यू उल्टा ही बनाते जाएंगे लॉक हैचिंग हो जाएगी। सेरिबल हैचिंग, इसमें ये इस तरीके से आपने देखा हो कई जगह पोर्ट्रेट बनाते हैं पेन से यूज करके, इस तरीके से हाथ केवल ऐसे दिखा कुछ भी नहीं बनता। जहाँ पर डार्कनेस होती है वहाँ पर ज़्यादा इफेक्ट दिया जाता है, जहाँ पर लाइट होता है वहाँ पर कम होता है। उसके बाद होता है स्ट्रिपर, स्ट्रिपर, स्ट्रिपर पर डॉट से लेंसिंग दी जाती है। जहाँ पर ज़्यादा डार्कनेस होता है वहाँ पर ज़्यादा डॉट लगाते हैं, जहाँ पर कम डार्कनेस होता है, जहाँ पर लाइट पार्ट होता है वहाँ पर ये स्ट्रिपर। इसके बाद के बाद हम रिपल रेगुलर हैचिंग, इसमें 1-2-3 कर्व लाइन बनाया है। इसके सेंटर से 1-2-3 लाइन, यहाँ से 1-2-3 लाइन, 1-2-3 कर्व लाइन बनती जाएंगी और ये हैचिंग बनती है 1-2-3। इन दोनों गेट के बीच में से 1-2-3
रिपेलिंग। उसके बाद कांटिनाउज, कांटिनाउज हेजिंग में है लाइंस बनाना है इसको ऐसे बनाना। जब ये हम ट्री वगैरह बनाते हैं तो इस टाइप की हेजिंग हमारे बहुत काम आती है। ये इस तरीके से कर्व लाइन बीच बीच में करते जाना है, स्ट्रेट लाइन बनाना। एंड सबसे लास्ट में आती है सर्कल, सर्कल है। इस हेजिंग में हमें ये सर्कल बनाते जाना है और हेजिंग करते जाना है। यहाँ पर ज्यादा काफी में थोड़ी ज्यादा इसमें और ये साइन बनाते जाना है उसके नीचे क्रॉस हैचिंग, कंट्रोल क्रॉस कंट्रोल, बास्केट हैचिंग, लूप्स,